नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। सूबे में सिर्फ 4 घंटे ही होंगे बैंक से संबंधित कार्य। ब्लैक फंगस के 13 नए मामले आए सामने। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर टोल फ्री नंबर जारी कर शुरू हुई नई मुहिम। देश भर में 27 दिनों के बाद आए 3 लाख से कम कोरोना के मामले। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई धीमी। राज्य में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार गिर रहा है। लगातार 11वें दिन कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी दर्ज की गई है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा अपडेट में बीते दिन के बीते 24 घंटे के दौरान 6,894 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं राज्य में इस दौरान कोरोना से 79 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि ताजा अपडेट में 14,340 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद बिहार में फिलहाल 75,089 सक्रिय मरीज हैं। खुशी की बात यह है कि रिकवरी रेट में काफी सुधार हुआ है और रिकवरी रेट 87.89% तक पहुंच गया है। वहीं अगर टोटल टेस्टिंग की बात करें तो कुल मिलाकर राज्य में 1,20,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि सिर्फ पटना जिला ही ऐसा है जहां 500 से अधिक संक्रमित मरीज है, जबकि ज्यादातर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या अब 500 से कम हो गई है। इससे साफ है कि लॉकडाउन का सकारात्मक असर दिखा है और फिलहाल 5.73% लोग ही संक्रमित पाए जा रहे हैं। मेडिकल ऑफिसर के 68 पदों के लिए अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर हुआ जारी। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच मेडिकल ऑफिसर के 68 पदों के लिए 50 अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 साल के लिए अनुबंध पर मेडिकल ऑफिसर के कई पदों पर बहाली निकाली है, जिसमें राजधानी पटना के लिए 68 मेडिकल ऑफिसर पद खाली थे। इन 68 पदों में विभिन्न श्रेणियों की महिलाओं के लिए 25 पद आरक्षित है। ज्ञात हो कि बीते 10 मई को जिला स्वास्थ्य समिति के कार्यालय में जिले के विभिन्न अस्पतालों के लिए 68 मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया गया था, जिसमें 91 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, जिसके बाद चुने गए 50 अभ्यर्थियों को 24 मई तक ज्वाइन करना होगा। सूबे में सिर्फ 4 घंटे ही होंगे बैंक से संबंधित कार्य। बिहार में कोरोना के खतरे को रोकने के लिए बैंक के खुले रहने के समय को घटा दिया गया था। इसके तहत पहले 15 मई तक ग्राहकों के लिए बैंक को सुबह 10 से 2 बजे तक खोलने का फैसला लिया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है। यानी कि 31 मई तक राज्य के बैंक 4 घंटे ही काम करेंगे और ग्राहकों के लिए सुबह 10 बजे से 2 बजे तक ही खुले रहेंगे। वहीं इस संबंध में ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव डीएन त्रिवेदी ने कहा कि नए नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि बैंकों के प्रशासनिक कार्यालय 50% स्टाफ के साथ पहले की तरह पूरे बैंकिंग कार्यावधि में कार्यरत रहेंगे। इस फैसले को सतर्कता और एहतियात के रूप में लिया गया है। ब्लैक फंगस के 13 नए मामले आए सामने। बिहार में ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोर माइकोसिस के 13 नए मामलों की पुष्टि बीते दिन रविवार को हुई है। इसके तहत पटना में इसके लक्षण वाले 6 नए मरीज मिले हैं। वहीं भागलपुर में 6 और बबुआ में भी 1 मरीज में इसके लक्षण मिले हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने की तैयारी में लगा है और इसे लेकर IGIMS पटना, एम्स और PMCH में अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। IGIMS में आज से 25 बेड की ICU शुरू की जानी है। वहीं 4 दिनों बाद 25 बेड और भी बनाए जाएंगे। इस तरह अस्पताल में कुल 50 बेड की ICU ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए होगी। आपको बताते चले कि बिहार के विभिन्न अस्पतालों में ब्लैक फंगस के नए मामले की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसके इलाज के लिए 6,000 वॉयल इंजेक्शन उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक ब्लैक फंगस के लगभग 2 दर्जन मामले सामने आए हैं। इससे पीड़ित मरीज IGIMS और एम्स के अलावा निजी अस्पतालों में भी इलाजरत है। कोरोना की दूसरी लहर में राज्य के लोगों पर पड़ा है अतिरिक्त खर्च का बोझ। बिहार में कोरोना की पहली लहर से लोग उबरे नहीं थे कि दूसरी लहर ने यहां की अर्थव्यवस्था पर और भी गहरा चोट किया है। वहीं अभी तीसरी लहर का आना भी बाकी है। इस बार लोगों के अतिरिक्त खर्चे में वृद्धि हुई है, खासकर सुरक्षा के लिहाज से जरूरी नई कमोडिटी के रूप में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने, दवाइयां, वेपोराइजर आदि लोगों की जरूरत बनती जा रही है, जिससे लोगों के खर्चे बढ़े हैं। राज्य में ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और कोरोना से संबंधित दवाइयां भी आसानी से आम लोगों को उपलब्ध नहीं है, जिससे बाजार में तय कीमत से अधिक मूल्य पर लोग इसे खरीद भी रहे हैं। पैरासिटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, रेमडेसिविर आदि अब सबकी तय कीमत से अधिक में मिल रहे हैं। सूत्रों की माने तो ऐसा हाल रहने पर राज्य में सालाना प्रति व्यक्ति आय में कमी हो सकती है। बिहार पर नहीं पड़ेगा ताउते तूफान का असर। देश के पश्चिमी तट पर अरब सागर में सक्रिय तूफान ताउते का असर सूबे बिहार पर नहीं पड़ने वाला है और यहां 19 मई तक मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर में 16 मई को गोवा चर से टकराने के बाद तूफान का असर आज मुंबई और गुजरात तट पर रहेगा। इसकी वजह से देश के पूर्वी हिस्से में आंधी तूफान के साथ बारिश होगी, मगर बिहार पर इसका असर नहीं दिखने वाला है और यहां तेज उमस लोगों का हाल बेहाल करेगी। हालांकि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं और देश के उत्तरी हिस्से में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बिहार के दक्षिण में स्थित 14 जिलों में 19 मई को तेज हवा के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। इसके तहत पटना, बक्सर, नालंदा सहित 14 जिलों में 18 मई की रात से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग की माने तो बिहार के अधिकांश हिस्सों में दिन का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है।
कोविड से निपटने के मामले में मोतिहारी जिला बना मॉडल। सुविधाओं को अगर व्यवस्थित रूप से तैयार कर काम किया जाए तो सीमित सुविधा में भी बेहतर काम किए जा सकते हैं। ऐसा ही उदाहरण मोतिहारी जिले के सदर अस्पताल बन चुका है, जो कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रोल मॉडल अस्पताल बन गया है। इसके तहत सीएम नीतीश कुमार द्वारा वीडियो कॉल पर यहां भर्ती मरीजों से बात करने और कोविड सेंटर के एक एक वार्ड का निरीक्षण करने के दौरान मोतिहारी के सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर काफी प्रभावित नजर आए। इस दौरान जिले के डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने वीडियो कॉल पर सामुदायिक किचन की व्यवस्था, चिकित्सा व पैरामेडिकल स्टाफ की 3 इस शिफ्टों में तैनाती के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जिले में ऑक्सीजन की सुचारू आपूर्ति के लिए बनाई गई व्यवस्था के बारे में भी बताया। उससे सीएम काफी प्रभावित हुए और उन्होंने यहां दी जा रही सुविधाओं और की गई व्यवस्था को सर्वोत्तम मानते हुए राज्य के हर जिले के कोविड सेंटर को इसके बारे में जानकारी देने की बात कही। ऑक्सीजन सप्लाई की ठगी के आरोप में नालंदा में 12 लोग हुए गिरफ्तार। ऑक्सीजन की कालाबाजारी और ठगी इस मुश्किल दौर में भी थमने का नाम नहीं ले रही है और ठगबाज इस मुश्किल घड़ी में भी लोगों को ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने बिहार के नालंदा से 12 ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस बाबत गिरफ्तार किए गए 12 आरोपियों में से 4 को दिल्ली पुलिस अपने साथ रिमांड पर ले गई। दरअसल दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने नालंदा पुलिस से इन ठगों की गिरफ्तारी को लेकर संपर्क किया था, जिसके बाद नालंदा पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी में ठगों को गिरफ्तार किया गया। इन पर जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सप्लाई का भरोसा देकर ठगी करने का आरोप है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 13 एटीएम, 19,500 रुपए नकदी और 1 लैपटॉप, 9 मोबाइल बरामद किए हैं। आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। आज के दौर में अपनों से लंबी दूरियां होने के बाद भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी कम्युनिकेशन को सेलिब्रेट करने के लिए दुनिया भर में आज 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। इसका मकसद वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रोल को हाईलाइट करना है। आज के दिन 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन की स्थापना भी हुई थी, इसलिए भी यह दिन खास है। इसे लेकर हर साल एक टॉपिकल थीम चुनी जाती है और इस पर दुनिया में कार्यक्रम होते हैं। इसी के तहत वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे पर इस वर्ष की थीम चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना है। यह थीम कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे समाज में निरंतर कामकाज के लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एयरफोर्स की सहमति का है इंतजार। बिहार के मिथिला क्षेत्र में हवाई सेवा के विस्तारीकरण के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर जमीन के अधिग्रहण को बस अंतिम रूप देना बाकी है और इसके लिए जिला प्रशासन को एयरफोर्स से इजाजत मिलने का इंतजार है। आपको बता दें कि एयरफोर्स से सहमति मिलने के बाद ही भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रपोजल को राज्य कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद वहां से पास होने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए एयरफोर्स के स्टेशन कमांडर को एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें दरभंगा एयरपोर्ट के लिए सिविल इनक्लेव निर्माण व रनवे विस्तारीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए चिन्हित 78 एकड़ जमीन के लिए एयरफोर्स से सहमति लेने को कहा गया है। हालांकि एयरफोर्स की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। शादी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद वार्ड पार्षद हुए गिरफ्तार। शादियों में आज भी कई लोग हर्ष फायरिंग करना अपनी शान समझते हैं, मगर वो ये भूल जाते हैं कि इसके लिए कानूनी प्रावधान भी है, जो बाद में उनकी परेशानी का सबब बन सकता है। ऐसा एक वाकया जमुई में देखने को मिला, जहां से वायरल हुए वीडियो में लॉकडाउन के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जमुई नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद मोहम्मद फिरोज आलम अपने बेटे की रिसेप्शन पार्टी में न सिर्फ अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोलियां चलाते नजर आ रहे थे, बल्कि नई नवेली दुल्हन के हाथ में भी रिवॉल्वर थमा फायरिंग करवाते नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की जांच जमुई की थानाध्यक्ष चंदन कुमार द्वारा किए जाने पर इसे सही पाया गया, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया है और जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाने की बात कही गई है। फेसबुक लाइव में तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बताया थका हुआ सीएम। सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था को आड़े हाथ लेते हुए आज सुबह बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव काफी ही आक्रामक दिखे और फेसबुक लाइव आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग भी की। अपने लाइव में तेजस्वी ने उन्हें सरकार चलाने का जिम्मा सौंपने को बोला और कहा कि अगर सरकार नहीं संभल रही तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे कि काम कैसे होता है। वहीं उन्होंने सरकार को पूरी तरह से फेल बताते हुए सरकार द्वारा नकारात्मक राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, उन्हें अब जनता की कोई चिंता नहीं है, अगर होती तो एक साल में काम हुआ होता। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन लोग खोज हमें रहे हैं। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर टोल फ्री नंबर जारी कर शुरू की नई मुहिम। 32 साल पुराने मामले में जब से जाप प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है, तब से ही उनके समर्थक लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस बीच पप्पू यादव की पार्टी ने अपने तरीके से मुहिम को शुरू करने का आह्वान किया है, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने एक टोल फ्री नंबर 9772268859 जारी करते हुए इस पर मिस्ड कॉल करने कर समर्थन देने की बात कही है। पार्टी के युवा परिषद ने इस मुहिम का नाम #मिस्ड कॉल फॉर पप्पू यादव दिया है और इसका समर्थन करने के लिए सभी
में देशवासियों से जारी किए गए टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल देने की अपील की है। देश भर में 27 दिनों के बाद आए 3 लाख से कम मामले। देश भर में 27 दिनों के बाद एक राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल इतने दिनों बाद 3 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,81,386 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 4,106 मरीजों की जान भी चली गई है। वहीं 3,78,741 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केस देश भर में 35,16,997 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 6,894 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं इस दौरान कुल 14,202 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 75,089 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 87.89% हो चुकी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोकने में बिहार सरकार सफल साबित हो रही है नहीं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।